Hello friends, today we will discuss the steps in hypothesis testing. Let's start. Hypothesis testing, the process to test the value of population parameter on the basis of sample observation is known as hypothesis testing. जब हम population parameter को test करते हैं sample observation की base पे तो उसे हम बोलते हैं hypothesis testing. We will discuss the steps in hypothesis testing. Step 1 is set up the null hypothesis and alternate hypothesis. स्टेप वन में हम सबसे पहले नल हाइपोथेसिस जो कि एच नॉट से रिप्रेजेंट होता है और अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो कि एच ए या एच वन से रिप्रेजेंट होता है उसको स्टेट करते हैं. स्टेप टू में वी विल सेट अप ए लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो कि 5% और 1% लेवल पे हम डिसाइड करते हैं. स्टेप थ्री में सेट अप ए सूटेबल टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस. स्टेप थ्री में हम कौन सा टेस्ट हमें अप्लाई करना है, द टेस्ट वी विल डिसाइड टू यूज, वेदर इट इज जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट और काई स्क्वायर टेस्ट. इन स्टेप फोर वी डू द कंप्यूटेशन, यानी डूइंग द कैलकुलेशन फॉर द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक फ्रॉम द सैंपल. जो हम एक्चुअल वैल्यूज ए टेस्ट अप्लाई करके उसकी कैलकुलेटेड वैल्यू निकालते हैं. स्टेप फाइव में फाइंड द टेबुलेटेड वैल्यू. स्टेप फाइव में हम टेबुलेटेड वैल्यू टेबल से देखते हैं. स्टेप सिक्स में हम सूटेबल डिसीजन या कंक्लूजन लेते हैं. नाउ वी विल डिस्कस ईच स्टेप इन डिटेल. स्टेप वन जैसे कि हमें पता है कि सेटअप द नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस. नल हाइपोथेसिस जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, नल हाइपोथेसिस इज रिप्रेजेंटेड बाय एच नॉट साइन एंड इट अज्यूम्स दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन पैरामीटर्स, पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन एटसेट्रा एंड द सैंपल स्टैटिस्टिक्स. Sample means sample standard deviation, etc. Null hypothesis is a statement of no effect. Null hypothesis, जैसा कि हमें पता है, no word को represent करता है. It is a statement of no effect, no relationship or difference between two or more groups or factors. In research studies, a researcher is usually interested in disapproving or rejecting the null hypothesis. Researcher जो भी null hypothesis है, उसको reject करना चाहता है. और इसका ऑपोजिट है ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस. तो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस इट इज रिप्रेजेंटेड बाय H1 और HA साइन एंड इट इज द स्टेटमेंट दैट देयर इज एन इफेक्ट और डिफरेंस. दिस इज यूजली द हाइपोथेसिस द रिसर्चर इज इंटरेस्टेड इन प्रूविंग. ये वो हाइपोथेसिस है जिसे रिसर्चर प्रूव करना चाहता है. तो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस कैन बी वन साइडेड, ये वन साइडेड हो सकती है, ओनली प्रोवाइड्स वन डायरेक्शन दैट इज हायर और लोअर इन वन टेल टेस्ट. जैसा कि हमें पता है ये वन टेल टेस्ट में क्या है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है और टू साइडेड होती है इन केस ऑफ टू टेल टेस्ट. इट डज नॉट इंडिकेट द डायरेक्शन, इट विल टेल ओनली दैट देयर इज अ डिफरेंस एग्जिस्ट इन केस ऑफ टू टेल टेस्ट. सो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ऑफ थ्री टाइप्स, एच ए इज इफ एच नॉट इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वल टू साइन देन एच ए और एच वन is represented by not equal to sign in case of two-tail test and it is represented by greater than sign in case of right-tailed one-tail test and represented by less than sign in case of left-tailed one-tail test. Now we discuss the step 2. Step 2 is set up a suitable level of significance. हमें एक level of significance set करना होता है जो कि 5% या 1% level of significance कहलाता है. The hypothesis is tested on a predetermined level of significance. Generally in practice either 5% or 1% level of significance is taken. The significance level is denoted by the Greek letter alpha and is generally set up at 0.05. Generally हम क्या है Greek letter alpha से इसको represent करते हैं और ये 5% यानी कि 0.05 level of significance हम लेकर चलते हैं. This means that there is a 5% chance that you will accept your alternate hypothesis when your null hypothesis is actually true. लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को हम अल्फा कहते हैं या इसे हम टाइप वन एरर भी कहते हैं. जैसा कि हमें पता है टाइप वन एरर क्या था कि व्हेन वी रिजेक्ट ट्रू नल हाइपोथेसिस द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग ए ट्रू नल हाइपोथेसिस इज नोन एज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और टाइप वन एरर इज इक्वल टू अल्फा. दिस इज पी. नाउ वी विल कम टू स्टेप 3, सेट अप ए सूटेबल टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस. स्टेप 3 में वी सेट अप एंड डिसाइड विच टेस्ट टू यूज. Test of hypothesis can be done on the basis of available information. The test like Z-test, T-test, F-test or chi-square test are used on the basis of the information available.
जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा टेस्ट यूज करना है। इफ सैंपल साइज इज लार्ज, अगर सैंपल साइज इज 30 या उससे ज्यादा है और पॉपुलेशन वेरियंस और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन, देन वी यूज दैट टेस्ट। इफ सैंपल साइज इज स्मॉल, लेस देन 30 और पॉपुलेशन वेरिएशन और वेरियंस और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन, देन वी यूज टी टेस्ट। यहाँ हमें ये ध्यान में रखना है कि जब भी सैंपल साइज लार्ज होगा तो हम जेड टेस्ट यूज करेंगे या पॉपुलेशन वेरियंस या पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नोन होगा तो भी हम जेड टेस्ट यूज करेंगे। अगर हमें पॉपुलेशन के बारे में कुछ नहीं दिया है और हमें कॉम्पैटिबिलिटी चेक करनी है ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की, तो हम पाई स्क्वायर टेस्ट लगाएंगे जो कि एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। अगर हमें सैंपल का वेरियंस चेक करना है और सैंपल का डिफरेंस देखना है तो हम एफ टेस्ट लगाएंगे। जेड टेस्ट, जेड टेस्ट इज ए पैरामेट्रिक टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। जेड टेस्ट एक पैरामेट्रिक टेस्ट होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग का। इट इज यूज्ड टू डिटरमिन वेदर द मीन्स आर डिफरेंट व्हेन द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन और पॉपुलेशन वेरियंस इज नोन एंड व्हेन द सैंपल साइज इज ग्रेटर देन 30 और इक्वल टू 30। जेड टेस्ट इंप्लाइज अ हाइपोथेसिस टेस्ट व्हिच एसर्टेन्स इफ द मीन्स ऑफ द टू डेटा सेट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर व्हेन वेरियंस इज नोन। जेड टेस्ट हम कब अप्लाई करते हैं, जब सैंपल साइज 30 से ज्यादा होता है या 30 होता है, और व्हेन द स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन और पॉपुलेशन वेरियंस इज नोन। जेड टेस्ट वो हाइपोथेसिस टेस्ट है जो हमें बताता है कि जो टू डेटा सेट्स हैं उनका मीन्स में डिफरेंस है जब वेरियंस या पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है। असम्पशंस मेड इन द यूज ऑफ जेड टेस्ट, व्हेन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल, सैंपल्स आर रैंडम एंड इंडिपेंडेंट, सैंपल साइज इज लार्ज और इक्वल टू 30, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन और पॉपुलेशन वेरियंस इज नोन। जेड टेस्ट इज ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट इज वन सैंपल टेस्ट टू कंपेयर सैंपल मीन विद दैट ऑफ पॉपुलेशन मीन, इन केस ऑफ टू सैंपल टेस्ट टू कंपेयर मीन्स ऑफ टू डिफरेंट सैंपल्स। फॉर्मूला फॉर वन सैंपल जेड टेस्ट, इफ पॉपुलेशन इज लार्ज दैट इज सैंपल साइज इज ग्रेटर देन 30 और इफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन, देन जेड टेस्ट इज यूज एंड द फॉर्मूला विच इज अप्लाइड इज जेड इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा बाय अंडर रूट एन। एक्स बार इज द सैंपल मीन, म्यू इज द पॉपुलेशन मीन, सिग्मा इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन और पॉपुलेशन ऑफ पॉपुलेशन एंड एन इज सैंपल साइज। हियर वी हैव टू रिमेंबर दैट स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन इज इक्वल टू सिग्मा बाय अंडर रूट एन, दिस इज, इसको हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन भी कहते हैं। So this is the formula for one sample Z test. Now the formula for two sample Z test, this is Z equal to x1 minus x1 bar minus x2 bar upon under root sigma 1 square by n1 plus sigma 2 square by n2, where x1 bar is mean of first population, x2 bar is mean of second population, sigma 1 is standard deviation of first population, sigma 2 is standard deviation of second population. N1 is the size of first sample or population and N2 is the size of second sample or population. Now we come to t-test. T-test is also a parametric test of hypothesis testing. It is developed by Professor William Seely Goosey in 1908, who published statistical papers under the name of student. Thus the t-test is also known as student's t-test. T-test एक parametric test है hypothesis testing का, इसको Professor W. एस गूसे या प्रोफेसर विलियम सीली गूसे ने अपने कुछ स्टैटिस्टिकल पेपर्स में एक पेन नेम स्टूडेंट के नाम से दिया था, तो इसलिए इसको स्टूडेंट्स टी टेस्ट भी कहा जाता है। टी टेस्ट इज ए स्मॉल सैंपल टेस्ट, इसका तब यूज किया जाता है जब सैंपल साइज 30 से कम हो। इट इज एसेंशियली टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस ऑफ द मीन वैल्यूज व्हेन द सैंपल साइज इज स्मॉल एंड व्हेन द पॉपुलेशन वेरियंस और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट नोन। ये सिग्निफिकेंस को टेस्ट करता है ऑफ द डिफरेंस ऑफ द मीन वैल्यूज जब सैंपल साइज स्मॉल हो और पॉपुलेशन वेरियंस या पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन हो। टी टेस्ट इट इज ए हाइपोथेसिस टेस्ट व्हिच एसर्टेन्स इफ द मीन्स ऑफ टू डेटा सेट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर व्हेन वेरियंस इज नॉट गिवन। ये हमें ये बताता है कि दो जो डेटा सेट्स हैं उनके मीन्स में डिफरेंस है या नहीं, जबकि वेरियंस या पॉपुलेशन या नहीं दिया गया है। मैन विटनी यू टेस्ट इज ए नॉन पैरामेट्रिक काउंटर पार्ट ऑफ टी टेस्ट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैन विटनी यू टेस्ट जो है नॉन पैरामेट्रिक काउंटर पार्ट है टी टेस्ट का। असम्पशंस मेड इन द यूज ऑफ टी टेस्ट,
फर्स्ट इज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल हो, सैंपल्स आर रैंडम एंड इंडिपेंडेंट, सैंपल्स रैंडम या इंडिपेंडेंट हो, सैंपल साइज स्मॉल हो, एन इज लेस देन 30, डेटा इज यूज्ड इज क्वालिटेटिव एंड पॉपुलेशन इज स्टैंडर्ड डेविएशन और पॉपुलेशन वेरियंस इज नॉट नोन. नाउ द टाइप्स ऑफ टी टेस्ट. टी टेस्ट इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट जैसा कि हमने जेड टेस्ट में देखा था वैसे ही टी टेस्ट में भी है कि टी टेस्ट भी दो तरह का होता है. वन इज वन सैंपल टी टेस्ट. इन वन सैंपल टी टेस्ट इज यूज्ड टू कंपेयर सैंपल मीन विद दैट ऑफ पॉपुलेशन मीन, वेयरएज इन टू सैंपल टी टेस्ट इट इज यूज्ड टू कंपेयर मीन्स ऑफ टू डिफरेंट सैंपल्स. एंड टू सैंपल टी टेस्ट इज फर्दर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज पेयर्ड और डिपेंडेंट टू सैंपल टी टेस्ट, सेकेंड इज अनपेयर्ड और इनडिपेंडेंट टी टेस्ट. इन केस ऑफ पेयर्ड मीन्स बोथ द सैंपल्स कंसिस्ट ऑफ द सेम टेस्ट सब्जेक्ट्स. पेयर टेस्ट में दोनों सैंपल्स सेम टेस्ट सब्जेक्ट्स के होते हैं. इट इज यूज टू कंपेयर मीन्स बिटवीन टू रिलेटेड ग्रुप्स ऑफ सैंपल्स. व्हेन वी वांट टू टेस्ट सिग्निफिकेंस ऑफ सेम सैंपल इन टू डिफरेंट ओकेजन्स लाइक टाइम और डेट और सिचुएशन, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट. फॉर एग्जाम्पल अब एक सैंपल हमारे पास ए है, उसे हम बिफोर और आफ्टर, जैसे हम कोई ट्रीटमेंट दिया एक सैंपल ए को और पहले उसके देने के हमने टेस्ट कर लिया और एक फिर बाद में किया. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट. Whereas in case of unpaired t-test, it is used to compare means of two independent samples. ये बहुत important point है. यहाँ हमारे पास दो अलग अलग samples हैं, जैसे कि sample A और sample B. Here the samples consist of different test subjects. Whereas in case of paired dependent, the samples are from the same test subjects, but they are taken on different occasions like time, date or situations. Whereas in case of unpaired, there are two independent samples from different test subject. Formula for one sample t test, if population size is small, that is sample size is less than 30 or population standard variation is not known. यहाँ पास हमारे पास sample size जो है less than 30 है, population standard deviation is unknown और population variance भी हम कह सकते हैं is unknown. So we will use the following formula. This is a t is equal to x bar minus mu naught upon s upon standard error, where x bar is sample mean, mu naught is population mean, s is sample standard deviation and n is sample size. यहाँ हमें ये ध्यान में रखना है कि यहाँ हमें sample standard deviation दिया गया है, population standard deviation नहीं, क्योंकि population standard deviation वो दिया जाता है या population variance दिया जाता है हमें z test में. और ये जो s by under root n है इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन. यहाँ पे हमें s अपॉन अंडर रूट n लिखना है. z टेस्ट में हम लिखते हैं इसको स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन को. इन केस ऑफ z टेस्ट वी राइट s स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन इज सिग्मा y अंडर रूट n. दिस इज पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, वेयर हियर दिस s इज सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन. t इज इक्वल टू सैंपल मीन माइनस हाइपोथेसाइज्ड मीन अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन. फॉर्मूला फॉर टू सैंपल टी टेस्ट पेयर्ड. इन केस ऑफ पेयर्ड टी टेस्ट वी यूज टू टेस्ट द डिफरेंस बिटवीन मीन्स ऑफ टू सैंपल्स एंड दीज आर डिपेंडेंट सैंपल्स ऑन मैच्ड पेयर ऑब्जर्वेशंस. सो दिस इज द फॉर्मूला यूज्ड. टी इज इक्वल टू डी बार अपॉन एस डी डिवाइडेड बाय अंडर रूट, वेयर एज डी बार इज द मीन ऑफ द डिफरेंसेस, एस डी इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिफरेंसेस एंड एन इज द सैंपल साइज. एंड द फॉर्मूला फॉर two sample t-test unpaired to test the difference between means of two samples independent samples, this is the formula you used. T is equal to x bar minus x2 x1 bar minus x2 bar upon under root s1 square by n1 plus s2 square by n2, whereas x1 bar is the sample mean of first group, x2 bar is the sample mean of second group, s1 is the standard deviation of first sample, s2 is the standard deviation of second sample, n1 is the size of first sample and n2 is the size of second sample. Now we will discuss the difference between z test and t test. As you can see from the table, this is the basis of comparison, z test and t test. First, z test was given by R.F. Fisher, whereas the t test was given by W.S. Goose. Meaning, z test is a type of parametric test that is applied to identify how the means of two sets of data are different from one another when population standard deviation or population variance is known. Whereas t-test is also a type of a parametric test that is applied to identify how the means or two sets of data differ from one another when population standard deviation or population variance is not known. Kindly correct it. Yahan pe population variance, population standard deviation is not known, is known.
where here population standard deviation is not known. Now the second point you can see from the table, population standard deviation or population variance is known in case of z-test, whereas population standard deviation or population variance is not known in case of t-test. यहाँ पे हमें population standard deviation नहीं दिया होता है, यहाँ हमें sample standard deviation दिया होता है. Now we come to third point, that is sample size. Sample size z-test का, this is by mistake we have written, sample size is, this is actually here should write, this is large sample or greater than 30 or equal to is in case of z-test, and this is t-test. Sample size is small or less than 30, whereas in case of z-test, sample size is greater than or equal to 30. Finally corrected. Now, next point, when population standard deviation is or population variance is known, if we know the standard deviation of the population, we can always use z-test regardless of sample of observation, sample size. जब भी हमें population standard deviation दिया होगा या population variance हमें दिया होगा तो हमें z-test ही यूज करना है, अगर sample size small हो तो भी. Whereas in case of t-test cannot be used if population standard deviation or population variance is not known. T-test को हम यूज नहीं कर सकते जब भी population standard deviation या population variance नहीं unknown होगा. When sample size is large, we will always use z-test. If the sample size is greater than or equal to 30, then we will always use z-test. If the sample size is less than 30, we will use t-test. लेकिन हमें यहाँ एक बात ध्यान में रखनी है कि अगर sample size 30 से कम है और standard deviation दिया गया है, then we will use the z-test because population standard deviation is given. Now these are the very important points you should remember. First point is t-test is used when sample size is large, is small, and when population variance or population standard deviation is not known. And z-test is used when sample size is large and population variance or population standard deviation is known. T-test का हम use तब करते हैं जब sample size small होता है और population variance or population standard deviation नहीं दिया होता या unknown होता है. z-test का हम use तब करते हैं जब sample size large होता है और population variance or population standard deviation is known. z-test is used when sample size is large and population variance or population standard deviation is not known. हमारे पास ऐसी situation भी हो सकती है जब sample size large हो और population variance या population standard variation unknown हो, तब भी हमें हमेशा z-test use करना है क्योंकि sample size large है. And there should also be a situation when sample size is small but population variance or population standard deviation is known. हमारे पास ऐसी situation भी हो सकती है कि sample size is small हो लेकिन population variance या population standard deviation दिया गया तो भी हमें z-test use करना है. These are the very important points to remember. If we know the standard deviation of the population, we can always use z-test regardless of the sample size. Very important. अगर हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का दिया हुआ है तो कोई भी सैंपल साइज कुछ भी हो, वी विल ऑलवेज यूज जेड टेस्ट. वेयर एज इफ द सैंपल साइज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 30, देन आल्सो वी विल यूज द जेड टेस्ट. इफ द सैंपल साइज इज लेस देन 30, देन टी टेस्ट इज ऑलवेज यूज. दिस इज ऑल्सो एन ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज जब भी सैंपल साइज 30 से लेस होगा तो वी विल बी यूजिंग टी टेस्ट. एंड देयर कैन बी अ सिचुएशन इफ सैंपल साइज इज लेस देन 30 and if population standard deviation is given, then we will use the z-test. So these are the very important points to remember. Now we will come to f-test, or which is also known as variance ratio test. F-test is used when sample variance is given. It is named in the honor of the great statistician R.A. Fisher. ये भी sample variance जब दिया होता है तो हम f-test का use करते हैं. इन्हें great statistician R.A. Fisher ने दिया था. It is also a parametric test of hypothesis testing. It is a test for the null hypothesis that two populations have the same variance. यहाँ पे हम H naught is equal to, we can write S1 square is equal to S2 square. ये बताता है कि दो normal populations में same variance है. F-test is conducted to find out whether the two independent estimates of population variance differ significantly or to find out whether the two samples may be regarded as drawn from the normal population having the same variance. कि दो सैंपल जो नॉर्मल पॉपुलेशन से लिए गए हैं
कि उनमें सेम वेरिएंस है। इसके लिए हम एफ टेस्ट या वेरिएंस रेशियो टेस्ट का यूज करते हैं। एफ टेस्ट इज रिगार्डेड एज अ कंपैरिजन ऑफ इक्वालिटी ऑफ सैंपल वेरिएंसेस। इट इज यूज्ड टू कंपेयर द वेरिएंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स। इन एफ रेशियो वी ऑलवेज टेक द लार्जर वैल्यू ऑफ द टू एस्टिमेट्स इन द न्यूमरेटर एंड द स्मॉलर इन द डिनोमिनेटर। जो भी लार्जर वैल्यू है उसको हम ऊपर लिखते हैं न्यूमरेटर में और स्मॉलर वैल्यू को हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। एफ टेस्ट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द रेशियो ऑफ टू वेरियंस, सो इट इज ऑल्सो नोन एज वेरियंस रेशियो टेस्ट। एफ टेस्ट जो है दो वेरियंस के रेशियो पे बेस्ड होता है, तो इसे हम वेरियंस रेशियो टेस्ट भी कहते हैं। Assumptions based in the use of F test, population distribution is normal, samples are random and independent, sample size is small, population standard deviation are treated as equal but unknown. Formula for F test. F statistic is simply a ratio of two variances, S1 square and S2 square. As you can see, F is equal to sigma 1 square by sigma 2 square, where sigma 1 square jo ki numerator mein hai, sigma 2 square is in denominator. So numerator is always greater than the denominator. So we can write sigma 1 square is greater than sigma 2 square, or F is equal to, we can write also S1 square upon S2 square, where S1 square should be greater than S2 square. S1 square is in numerator and S2 square is in denominator. Degree of freedom for larger population variance is V1 and for smaller is V2. V1 is numerator and it is equal to n minus 1 larger variance. V2 is denominator and it is equal to n minus 2 is smaller variance. F can also be written as larger estimate of variance upon smaller estimate of variance. Now we come to chi-square test. Chi-square is a non-parametric test. पहले हमने सब पैरामेट्रिक टेस्ट की बात की थी, जैसे कि जेड टेस्ट, टी टेस्ट और एफ टेस्ट में। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट काई स्क्वायर। इट इज अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट डेवलप्ड बाय द स्टैटिस्टिशियन कार्ल पियर्सन इन 1900, रिप्रेजेंटेड बाय द वर्ड काई, ग्रीक वर्ड। इट इज आल्सो नोन एज काई स्क्वायर। काई स्क्वायर टेस्ट इज यूज्ड टू चेक द कंपैटिबिलिटी ऑफ ऑब्जर्वड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। इनकी कंपैटिबिलिटी को चेक करता है। इन जनरल टेस्ट वी यूज्ड टू मेजर द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज ऑब्जर्वड and what is expected according to an assumed hypothesis is called the chi-square test. Generally हम इसका use करते हैं जबकि word क्या observed है और क्या expected में difference है उसको measure करने के लिए, according to an assumed hypothesis उसको हम बोलते हैं chi-square test. It is based on the observed frequency and not on the parameters mean and standard deviation. This is the formula for calculating chi-square. Chi-square is equal to summation O minus E whole square upon E, where chi-square is the test statistic, summation means the sum of O is observed frequency and E is the expected frequency. E is equal to RT into CT upon N, where RT is row total or for the column, row total for the row containing cell, CT is column total for the column containing cell, N is total number of observations. V is equal to R minus 1 into C minus 1, V is the degree of freedom. And R is the number of rows, C is the number of columns. This is the formula for calculating the chi-square test. Now the conditions for applying chi-square test. All the observations must be independent. Sari observations independent honi chahiye. The event must be mutually exclusive honi chahiye. Data must be in the form of frequencies. The data should be expressed in ordinal limits. And it should not be expressed in percentage or ratio. The frequency data must have a precise numerical value and must be organized into categories or groups. Observations are recorded and used or collected on a random basis. This is also very important. No group should contain very few items, say less than 10. Kisi bhi group mein 10 se kam items nahi honi chahiye. The number of observations should be reasonably large. That is normally equal or greater than 50. So these are the conditions for applying chi-square test. Now we come to types of chi-square test. Is also of two types. First is parametric and second is non-parametric. ज्यादातर हमें पता है कि chi-square को हम non-parametric test कहते हैं, लेकिन in one case chi-square test is called a parametric test for test of comparing variance. Whereas chi-square is a test as a test of independence, test of goodness of fit, and test of homogeneity. It is a non-parametric test. Chi-square test as a parametric test is used as a test for population variance on the basis of sample variance, and as a non-parametric test, जैसा कि हमने पहले बताया था, chi-square can be used as a test of independence, as a test of goodness of fit, and as a test of homogeneity. Now, test of comparing variance. This is considered as a parametric test.
स्क्वायर को जब हम वेरिएंस कंपेयर के लिए यूज करते हैं तो उसको हम पैरामेट्रिक टेस्ट कंसिडर करते हैं. द एजम्पशन अंडरलाइंग द टेस्ट इज दैट द पॉपुलेशन फ्रॉम विच सैंपल्स आर ड्रॉन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. जो हम पॉपुलेशन से सैंपल लेते हैं वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है. काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन हैज ओनली वन पैरामीटर, दैट इज द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ कंपेयरिंग वेरिएंस. एंड दिस इज द फॉर्मूला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा टू सिग्मा स्क्वायर एस अपॉन सिग्मा स्क्वायर पी इंटू एन माइनस वन. सिग्मा स्क्वायर एस सैम्पल वेरियंस, सिग्मा स्क्वायर पी इज पॉपुलेशन वेरियंस, वी इज डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू एन माइनस वन एंड इज सैम्पल साइज. यस इन दिस केस काय स्क्वायर इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू एस स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर. वेज एस स्क्वायर इज द सैम्पल वेरियंस, सिग्मा स्क्वायर इज पॉपुलेशन वेरियंस एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम इज एन माइनस वन. टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस. काय स्क्वायर इज अ टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस एनेबल्स अस टू एक्सप्लेन वेदर और नॉट टू एट्रीब्यूट्स आर एसोसिएटेड. कि दो एट्रीब्यूट्स एसोसिएटेड हैं या नहीं. काय स्क्वायर एज अ टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस हमें ये बताता है. काय स्क्वायर एज अ टेस्ट फॉर गुडनेस ऑफ फिट. काय स्क्वायर एज अ टेस्ट फॉर गुडनेस ऑफ फिट एनेबल्स अस टू डिटरमिन द एक्सटेंट टू विच द थियोरिटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सच एज बाइनोमियल पॉइजन और नॉर्मल फिट्स द एम्पेरिकल सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन. जो थियोरिटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना फिट होता है एम्पेरिकल सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन में, ये काय स्क्वायर एज अ टेस्ट फॉर गुडनेस ऑफ फिट हमें बताता है. काय स्क्वायर एज अ टेस्ट ऑफ गुडनेस फॉर फिट फॉर गुडनेस ऑफ फिट इज यूज टू कम्पेयर द ऑब्जर्व सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन विद द एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. इट इज यूज टू ऑब्जर्व द क्लोजनेस दैट द क्लोजनेस ऑफ ए सैम्पल मैचेज ए पॉपुलेशन. ये बताता है कि कितना जो सैम्पल क्लोज है पॉपुलेशन के. इट इज यूज टू डिटरमिन हाउ क्लोजली द ऑब्जर्व डिस्ट्रीब्यूशन मैचेज एन एक्सपेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन. इट इज यूज टू टेस्ट द सिंगल वेरिएबल दैट इज इट इज टू फिट द पॉपुलेशन और नॉट. इट मीन्स द सैम्पल इज सपोर्टिंग द पॉपुलेशन और नॉट. टेस्ट फॉर होमोजेनाइटी. काय स्क्वायर इज अ टेस्ट फॉर होमोजेनाइटी डिटरमिन्स इफ टू और मोर पॉपुलेशंस और सब ग्रुप्स of a population have the same distribution of a single categorical variable. Now we come to step 4, doing the computation. It means calculating the actual values of the test from the sample test using the formula depending upon the test which is used. जो भी हम test use कर रहे हैं उसका formula apply करके हम calculated value निकालेंगे. After doing the computation we will calculate the calculated value. Step 5, find the tabulated value. But then we find the tabulated value from the table given, from the table. Step 6, take a suitable decision or we can make conclusion also. Make decision about accepting or rejecting the null hypothesis. उसके बाद क्या करेंगे? We compare the calculated value with tabulated value. And if we find that calculated value is greater than the tabulated value, then we reject the null hypothesis. And if calculated value is lesser than the tabulated value, then we accept the null hypothesis. Calculated value is greater than the tabulated value, then reject the null hypothesis. Calculated value greater than tabulated, reject the null hypothesis. If calculated value is lesser than the tabulated value, then we accept the null hypothesis. These are the 6 steps of hypothesis testing. I think all of you must have understood the concept. Thank you.